जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक और नए वीडियो में आप सबको मैं खुशी के साथ स्वागत करता हूं। आज की सुबह के समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि परमेश्वर पूरी रात हमको संभाला है और नया दिन देखने के लिए, इस सूरज की रोशनी देखने के लिए परमेश्वर ने हमें हम पर दया किया, अपनी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखा, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन। तो आइए आज भी एक वचन को हम लोग ध्यान करते हुए प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु हम सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया आप निकाल लीजिएगा यहोशुआ 5:3, जोशुआ चैप्टर 3:5। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, हम पवित्र बनाए रखना, हमारे जीवन को पवित्र बनाए रखना बहुत जरूरी है। आज भी परमेश्वर हमसे इस काम को हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम पवित्र बने रहें, एक पवित्र जीवन बिताएं। परमेश्वर पवित्रता अपेक्षा करता है हमारे द्वारा यीशु मसीह के लहू से और उसके वचन से, पवित्र आत्मा से, और एक बोझ के साथ, इंटरेस्ट के साथ किया हुआ प्रार्थना के द्वारा हमें पवित्रता प्राप्त होती है। यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से, उसके वचनों से और प्रार्थना से हम पवित्र बने रह सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर में पवित्र बने रहना है और हम पवित्र बने रहने के लिए परमेश्वर से अगर हम प्रार्थना करेंगे तो उसकी दया की दृष्टि, उसका अनुग्रह की दृष्टि, कृपा दृष्टि प्रभु हमारे ऊपर बनाए रखता है और हमें एक पवित्र जीवन देने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम योसेफ के जीवन को देख सकते हैं। योसेफ मिस्र देश में बंदी बनाकर यूसुफ को ले गए थे और पोतीपर की पत्नी उसके ऊपर एक कुदृष्टि डालती है, उसको उस मोह से देखती हैं, उसके साथ गलत करना चाहती है। लेकिन मेरे प्रियो, यूसुफ वहाँ पर भी यूसुफ अपनी पवित्रता को वो बनाए रखा, परमेश्वर से डरा और उस पवित्र जीवन को बनाए रखा, तो परमेश्वर उसको आगे चल के जैसे झरनों के पानी के बगल में जो पेड़ हरा भरा रहता है और फल फलता है, वैसे बहुत आशीष का कारण होता है। वैसे यूसुफ भी बहुतों के लिए, यानी अपने सारे इसराइल लोगों के लिए और इतना यानी सारे मिस्र देश के लोगों के लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर की पवित्रता के लिए उन्होंने कोशिश किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर से डरा, वो पवित्रता को बनाए रखा, परमेश्वर उसको बदले में 100 गुना आशीष किया, उसके द्वारा बहुत लोगों ने आशीष पाया। हालेलुया। दानियल के जीवन को हम देखते हैं। वो पहले से दानियल में बेबीलोन के जाने से पहले या जाने के बाद वो पहले से एक डिसीजन लिए रहता है कि मैं अपवित्र नहीं बनूंगा, मैं अपनी पवित्रता को नहीं खोऊंगा, मैं वहाँ का खाना, बेबीलोन का राजा का खाना मैं नहीं खाऊंगा और वहाँ का दाखरस मैं नहीं पीऊंगा। हर एक एक जो परमेश्वर का विरोध था उस काम से वो अपने को बचाए रखा और वो उसको बहुत परमेश्वर की आशीष का कारण हुआ। परमेश्वर उसका एक मन को देखा, एक डिसीजन को देखा, मेरे लिए मेरा बेटा इतना कुछ त्याग कर रहा है, मेरे लिए इतना खड़ा है करके परमेश्वर उसको बहुत ऐसे आशीष किया।
और भी देखिए वहाँ पर कितने राजाएं आते हैं, कितने राजाएं चले जाते हैं, तो भी उसके बावजूद भी दानियल को परमेश्वर ऊंचा 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 स्थान में वहाँ पर ले जा रहे हैं। कितने लोग राजा आए चले गए, लेकिन दानियल तब भी वहाँ पर वो काम कर रहा है और ऊंचे से ऊंचे पद में ही उसको परमेश्वर ऊंचा ले जा रहा है। मेरे प्रियो, आज हम कितने लोग पवित्रता को बनाए रख रहे हैं, परमेश्वर का भय मान रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ अस आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप द होलीनेस, हाउ मेनी ऑफ अस आर फियरिंग गॉड एंड डूइंग होली थिंग्स इन आवर लाइफ। हम सोच के देखना चाहिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के लिए कितना भय भक्ति का जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर से कितना डर रहे हैं। आजकल बिजनेस में ये तो आम बात हो गया है झूठ बोलना, हम कितना परमेश्वर के लिए सच्चाई बोल रहे हैं यह हमें सोच के देखना है। झूठ बोलना तो बहुत आसान है, पवित्र जीवन जीने के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा, परमेश्वर के करीब रहना पड़ेगा, परमेश्वर के मनपसंद का काम करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, पवित्रता के लिए एक दूसरे के साथ प्रार्थना में, वचन में, आत्मिकता में जुड़े रहिए और पवित्रता से जीवन बिताने के लिए कोशिश करिए। परमेश्वर खुद आपको मदद करेगा, क्योंकि हमारे कोशिश से मुश्किल है, अगर हम परमेश्वर की सहायता मांगेंगे तो सच में प्रभु आपको और मुझको पवित्रता का जीवन जीने के लिए सहायता करेंगे। यूसुफ का जीवन को याद करिए, मिस्र देश में था, पूछने वाला कोई नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर से डरा और अपने पवित्रता को बनाए रखा। दानियल, वहाँ भी उसको पूछने वाला कोई नहीं था, फिर भी वो परमेश्वर से डरा, बेबीलोन में भी, और पवित्रता को बनाए रखा। हालेलुया। एक वचन आखिरी में, एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 6:19। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो, परमेश्वर के लिए भी सौंपना है। अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। पहले अंधकार में जी रहे थे, अंधकार के दास थे, लेकिन अभी हम परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर की दास बनकर पवित्रता के लिए हम हमारे अंगों को सौंपना है, यानी पवित्रता का जीवन हमें जीना है। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद आपको मदद करे एक पवित्र जीवन यूसुफ के जैसे, दानियल के जैसे बिताने के लिए। प्रभु खुद हम सबको मदद करे। आज की सुबह के समय में एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो मेरे भाई बहन परमेश्वर जुड़े हैं मेरे साथ। प्रभु प्रार्थना में सभी भाई बहनों को ब्लेस करने के साथ रहना, अगुवाई करना स्वर्गीय पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो मेरे साथ प्रार्थना करें, आशीष करना प्रभु, दानियल के नाई, यूसुफ के नाई, हम प्रभु आपका भय माने, पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें सहायता करना स्वर्गीय पिता, जैसे उनको आप आशीष का खंभा बनाया, आशीष का कारण बनाया, आपका भय मानने के कारण, पवित्र जीवन जीने के कारण एक बहुत बड़ी बड़ी आशीष उनके जीवन में आप लाए। वैसे प्रभु जी हमें भी सहायता करके हम भी आपके नाम से पवित्र जीवन जिए और आपकी आशीष का कारण हो सके और बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सके जो बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता, इस नए साल में नई नई आशीषों से भर देना, उनके साथ रहना, अगुवाई करना। और जो प्रभु जी सबसे जो नए से जुड़े हैं, उन सभी मेरे भाई बहनों को भी ब्लेस करना, आज का पूरा दिन आपकी खुशी में, आपके विश्वास में, आपके पवित्रता में प्रभु जी बिताने के लिए कोशिश करना। सारी महिमा पिता आपको देता हूँ, आगे का समय भी आपके हाथ में सौंपता हूँ। आशीष कर यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनर ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते तो शाम को भी हम लाइव आते हैं 9:30 बजे, कृपया आप ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, वचनों को सुन सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। एक और नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे। आमीन।